आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्रोशिए से जो हम शोल्डर कम करते हैं, डिक्रीज करते हैं, तो जैकेट के लिए वो शोल्डर डिक्रीज करना बताऊंगी। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ शोल्डर के ऊपर एक छोटा सा वीडियो बनाया हुआ है, तो इसमें मैंने पूरी जैकेट बनाना नहीं बताया है। तो अगर साइज जैकेट का बड़ा हो तो फिर हम 5 4 3 2 1 से जो है वो शोल्डर कम कर सकते हैं। तो अगर नॉर्मल साइज है तो फिर हम 4 4 3 2 1 इस तरह से हम जो है वो कम कर सकते हैं शोल्डर को। तो मैंने यहाँ पे इस तरह से डबल क्रोशिए की कुछ रो बनाई हुई है, तो इसके ऊपर जो है मैं वो आपको जो हम शोल्डर कम करेंगे उसके बारे में बताऊंगी। तो यहाँ पे चलिए फिर हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको 4 3 2 1 इस तरह से शोल्डर कम करना बताऊंगी। तो पहले हम यहाँ पे 4 से कम करेंगे 4 डबल क्रोशिए से, उसके बाद हम 3 फिर 2 फिर 1। तो इस तरह से हमने शोल्डर को कम करना है। तो हम यहां तक आ गए हैं। अगर आप जैकेट बना रहे हो तो जिस तरह से आपकी जैकेट का आगे की तरफ पल्ले आएंगे उसी प्रकार से मैं यहाँ पे कम करना बता रही हूँ। तो हमने 4 यहाँ पे डबल क्रोशिए जो है वो स्किप करने हैं, 1 2 3 और 4। तो हम यहाँ पे 1 2 3 और 4 हम यहाँ पे डबल क्रोशिए स्किप कर देंगे और ये वाला जो हमारा डबल क्रोशिए इसको हम बना लेंगे। तो इस तरह से हमने 4 डबल क्रोशिए यहाँ पे स्किप कर दिए हैं। तो हमने यहाँ पे 4 डबल क्रोशिए की जो काट है वो हमने यहाँ पे डाल दी है। तो अभी हमने यहाँ पे 3 चेन लेना है और यहाँ पे 3 चेन लेके यहीं से बनाना स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे हमने 3 चेन लिया और नेक्स्ट चेन में हम फिर बनाएंगे। तो अभी हम जो डबल क्रोशिया है उसको बनाते हुए जाएंगे। इसी प्रकार से हमने डबल क्रोशिया बनाना है। तो हमने यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया जो है वो स्किप कर दिया है। तो अभी हम यहाँ से बनाते हुए यहाँ तक आ जाएंगे। तो यहाँ पे हमने 4 डबल क्रोशिया स्किप किए और यहीं से हमने 3 का चेन लिया। यहाँ पे हमने 3 का चेन लिया और हमने यहीं से रो बनाना स्टार्ट किया और हमने यहाँ तक बनाया और इसके बाद फिर से हमने 3 का चेन लिया और हमने यहाँ से फिर से बनाया। तो अभी हमने 2 रो इसके आगे कंप्लीट कर ली हैं। तो हमारी इस तरह से रो आई और फिर इस तरह से। तो अभी हम यहाँ पे हमारी नेक्स्ट रो आएगी। तो इस रो में जो है वो हमारे पास हम जो है 3 यहाँ पे डबल क्रोशिया स्किप करेंगे। तो हम फिर से यहाँ पे 3 चेन लेंगे और यहीं से बनाना स्टार्ट करेंगे। इस तरह से हमने 3 का चेन लेना है और बनाना स्टार्ट करना है डबल क्रोशिया। तो हम डबल क्रोशिया बनाएंगे उसी प्रकार से, हमने यहाँ पे बनाते हुए यहाँ तक आ जाना है। तो हमने यहाँ से यहाँ तक बना लिया है और इस रो में हमने यहाँ पे 3 जो हमारे डबल क्रोशिया हैं वो स्किप करने हैं, छोड़ने हैं। तो एक तो हमारी ये 3 की चेन हो गई और ये दूसरा और ये तीसरा हमारा डबल क्रोशिया हो गया। 1 2 और 3 हमने यहाँ पे स्किप किए और एक जो हमारे पास एक्स्ट्रा है उसको हमने बना लिया। तो अभी ये हमारे पास 3 हैं। तो हमने यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया स्किप किया था और अभी हमने यहाँ पे 3। तो हमने पहले 4 डबल क्रोशिया स्किप किए फिर हमने 3 किए। तो अभी हमने यहाँ पे फिर से 3 का चेन लेना है। हमने यहीं से वर्क टर्न कर लेना है, इस तरफ आ जाना है, यहीं से हमने इस तरफ घूम जाना है। 3 हमने स्किप कर दिए हैं तो अभी हम 3 का चेन लेके इस तरह से घूम जाएंगे और फिर से बनाना स्टार्ट करेंगे। तो फिर से हम ये रो कम्प्लीट करेंगे डबल क्रोशिए से। हमने फिर से ये वाली रो कम्प्लीट करनी है इधर तक और फिर से इधर आ जाना है। तो फिर हम यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे पिछली रो में हमने यहाँ पे 3 हमने डबल क्रोशिया स्किप किए थे। तो अभी हमने यहाँ पे 2 करना है, हमने 2 डबल क्रोशिए यहाँ पे स्किप करने हैं। तो हम यहाँ पे 1 और 2 यहाँ पे हम 2 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे और बाकी जो डबल क्रोशिए उनको हम बना लेंगे, उनके ऊपर डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो यहाँ पे हमने 2 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पे 1 और 2, तो हमने यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया स्किप कर दिए हैं। तो हमने फिर से यहीं से 3 का चेन लिया और इस तरफ हमने घूम जाना है और डबल क्रोशिया बनाना हम स्टार्ट कर देंगे। तो हमने फिर से डबल क्रोशिया बनाना है
डबल क्रोशिया बनाते हुए हम इधर तक आ जाएंगे। तो देखिए इस रो में हमने यहाँ पे एक डबल क्रोशिया स्किप किया है, तो हमने यहाँ तक तो बनाया हुआ है और यहाँ पे हमने जो हमारा थ्री का चेन था उसको हमने यहाँ पे स्किप कर दिया, छोड़ दिया है। तो इस तरह से जो हमारे शोल्डर हैं वो यहाँ पे कम हो गए हैं, चार तीन दो और फिर एक। और अगर आप पांच चार तीन दो एक से कम कर रहे हो तो फिर बहुत आसान है, आपने यहाँ पे फोर की जगह पे आपने यहाँ पे फाइव को स्किप करना है और फिर फोर फिर थ्री फिर टू फिर वन, तो आपकी यहाँ पे टू रो जो है वो एक्स्ट्रा आएंगी और आएंगी। तो इसके बाद फिर से हमने हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाना है और आपने जहाँ पे कुछ भी स्किप नहीं करना है। तो अगर आप जैकेट बनाते हो डबल क्रोशिया के इस तरह से डिजाइन सेट करते हो डबल क्रोशिया के अकॉर्डिंग, तो फिर आप इस तरह से कम कर सकते हो। तो अगर आप कुछ और डिजाइन से बना रहे हो तो फिर आप उस तरीके से कम कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे इसके आगे मैंने यहाँ पे टू रो बनाई हुई है जो मैंने हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया यहाँ पे बनाया हुआ है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे चार तीन दो और एक से हमने जो शोल्डर है उसको हमने डिक्रीज कर दिया है, कम कर लिया है। तो अगर आप पांच चार तीन दो एक से शोल्डर बनाना चाहते हो तो फिर आप उस तरह से भी बना सकते हो। तो मुझे लगता है कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा और उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। तो आप सभी का मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।